और मंटो बाहर निकलो। क्या बात है, इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? जी मंटो को बाहर निकालो, हम उसको लेने आए हैं। वो घर पे नहीं है। देखें जी, वो कराची से उसके खिलाफ वारंट है, हमें उसको गिरफ्तार करने के ऑर्डर है। और मंटो बाहर निकलो, पता औरतों के पीछे छुपे बैठे हो, निकलो बाहर। कह तो रहे हैं कि वो घर में नहीं है, हम सिर्फ औरतें हैं। देखिए अम्मा जी, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस तरह के आदि कानून शिकनों को। आप लोगों ने उसको घर में ही छुपा के रखा हुआ है और उसके बगैर हम नहीं जाते यहाँ से। हाँ अजीब आदमी है आप। मैं कह रही हूँ आपसे कि वो घर पे नहीं है और आप इसरार किए जा रहे हैं कि वो यही है। मंटो ऐसे आदमी नहीं है जो मुकदमात और पुलिस से डरकर छुप जाएंगे। देखें जी, हमारे पास तलाशी के आर्डर हैं, आप उसको हमारे हवाले कर दें वरना फिर हमको घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। जा यार, वो चाय वाय लेके आ यार, बस तू ला यार। अरे हम भी यहीं बैठे हैं जी, वो उसके बगैर हम नहीं जाते, बाहर ही बैठे हैं। मर नहीं रही, कैसे मरवाऊं उसे? मंटो साहब बस थोड़ी सी रह गई है, फिर चलते हैं ना। ये कहानी अधूरी छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें पता है मुझे अधूरी कहानी छोड़ने से नफरत है, अगर कोई कहानी अधूरी छोड़ दूं तो वो मुझे तंग करती रहती है। बस निकल रहे हैं। आपको बुलाया जा रहा है। क्या करूं इसको, कैसे मारूं मुझे? सीढ़ियों से भी गिर सकती है, छत से कूद सकती है, मवालियों के हाथों कत्ल भी कराया जा सकता है। दरअसल आपके घर के बाहर पुलिस आके बैठी है और वो इसरार कर रहे हैं कि आप घर के अंदर हैं, बाहर नहीं निकल रहे। मुझे गिरफ्तार करने आए ऊपर नीचे दरमियान के सिलसिले में हो सकते हैं, और सुना है इस दफा वारंट भी कराची की अदालत से आए हैं। चलो, और वो जमानत का भी बंदोबस्त करना होगा। हामिद को कह देंगे ग्रेड 1 का अफसर है, वो कुछ कर सकेगा मेरा ख्याल। क्या हो रहा है ये? क्या बदतमीजी हो रही है? ओ जी, कानून का बोलबाला हो रहा है जी। अहमद साहब, ओ जी मंटो को लेने आए हैं। उसको देखो, वो चूहे की तरह डर के अंदर बैठा हुआ है, पर आज तो हम उसको लेके जाएंगे ना जी, और चाहे रात ही क्यों ना हो जाए। हैं? तूने बताया तो है कि वो घर पे नहीं है। अहमद साहब, वो कभी किसी मुजरिम की औरत ने मुजरिम को पुलिस के हवाले खुशी खुशी किया है? आपको हम बेवकूफ लगते हैं जो औरत की बात मान ले? देखिए, हम इज्जतदार लोग हैं, मैं खुद सरकारी अफसर हूँ, मेरे वालिद भी सरकारी अफसर रह चुके हैं। मंटो मुल्क के मशहूर अदीब हैं, उनके वालिद भी अमृतसर में मैजिस्ट्रेट थे। जी हमारे रिकॉर्ड में सब तफसीलात हैं आमद साहब। तो फिर और मंटो के जुर्म की संगीनी बढ़ती चली जा रही है, कानून हरकत में आ चुका है, अब नहीं रुकता, समझ आई? तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, अनमोल मोती है, इन्हें जाया मत करो। खुश हो, मैं चाहता हूं तो मुझे खुशी खुशी रुखसत करो। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी रोशन, तुम आज ना चाहो, मैं वादा करती हूं तुम्हें कल नहीं रोकूंगी, खुशी खुशी रुखसत करूंगी। सच सच मिठाई लाके आना। आ गई मैडम जी, आपने मुबारक हो शादी। नारियल लग गया ना, मुँह की देख रहे हैं। हेलो मैडम। अजय जी कमाल के फनकार हैं, बहुत अच्छा सीन कराया। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। नूरी कहिए ना, अच्छा लगेगा। मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ, वो भी पहले रोज। चलो फिर गुस्ताखियाँ करने लगोगे एक दो मुलाकातों के बाद। अरे मैडम जी, तो साहब जी को देखूंगा जरा, कैसे वो गोलमू वाली एक्स्ट्रा के साथ चिपक के खड़े। तो अपने साथ को तो देख कैसे उसकी बातें खिल रही हैं। सुना है उसको नई फिल्म में साहब जी ने कास्ट करवाया अपने वालों। इसको तो ठीक से खड़ा नहीं होना होता तो नाचेगी क्या? नाचना नहीं आता लेकिन नचाना तो आ रहा ना उसको। अजय जी। मैडम कल क्या कर रहे हैं आप? कल मैं, आप बताएं। आमिर साहब देखिए जी, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, अब हमको खुद अंदर जाके उसको लाना पड़ेगा। कोई हक नहीं है आपको ऐसा करने का। हक नहीं, इख्तियार है हमारे पास और हम ही कर सकते हैं। उनके घरों पर धावा बोलने का इख्तियार तो नहीं है ना? और देखें जी आमिर साहब, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ कि उसको बाहर निकालें वरना अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब वो बाहर नहीं आ सकता, ये नामुमकिन है। ए, मुमकिन है? नामुमकिन को मुमकिन बनाती है पुलिस। लेकिन इस नामुमकिन को पूरे शहर की पुलिस भी मिल जाए ना तो भी मुमकिन नहीं बना सकती। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है कि मंटो साहब बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वो कहीं और से आ रहे हैं। वो रहे जी, खुदा बख्श साहब आए हुए हैं, किसी किसी बाई का बुलावा है या मजिस्ट्रेट बहादुर ने बुलाया है जी? तो फिर आप वाकई घर पे नहीं थे हैं? ज़ाहिरी बात है खुदा बख्श, तुम्हारे सामने टांगे से उतर के आ रहा हूँ तो घर पे तो नहीं होऊंगा। इतने लाओ लश्कर समेत आने की जहमत क्यों की आपने? ओ जी वारंट आए जी कराची से आपके लिए। फिर तो थक गए होंगे। हैं जी, कौन थक गया होगा? वारंट कराची से जो आए। तो जी देखिए, हमारे पास आपको गिरफ्तार करने के वारंट है। ठीक है जी, आप तैयारी पकड़ लें बस। यार खुदा बख्श मेरी क्या तैयारी है। चलो आज ही हम अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर कर देंगे और आज ही बेल बिफोर अरेस्ट भी हो जाएगी। हैं जी, क्या हो जाएगी? जमानत कबल अज गिरफ्तारी, बेल बिफोर अरेस्ट। ओ अच्छा अच्छा, चंगा जी चंगा। पर जामिन मिल जाएगा आपको? हैं जी, आप तो छोटे मोटे से सरकारी अफसर हैं, आज नौकरी है कल नहीं है जी। छोटी सी तनख्वाह है आपकी। अकेल मुलाजमत तो है ना क्लास 1 की। ओ जी हामिद साहब, जामिन वो होता है जिसकी कोई अपनी जदाद हो, कोई अपना कारोबार शारोबार हो, वो बड़ा कोई टक्के का आदमी हो। ओ मंटो साहब, आप जरा हामिद साहब को बताएं ना, वो मजिस्ट्रेट का लिखा हुआ कोई पर्चा वर्चा भी तो चाहिए होता है, बताएं जरा। वो तो चाहिए होता है जी। सही कह रहा है खुदा बख्श, चलते हैं फिर मेरा ख्याल खुदा बख्श। हाँ जी, मैं बंदोबस्त करता हूँ। काफी देर के आए हुए लग रहे हो, टोपी भीग गई तुम्हारी पसीने से। हाँ, चाय वाय पूछी हामिद वगैरह ने? और नहीं मंटो साहब जी, किधर पूछी। आई जाओ भाई हामिद, अंदर सफिया को कहो कि दो अच्छी सी चाय बना के भेजो। जाओ। मंटो साहब जी, तलाशी लेनी थी। ले लो तलाशी खुदा बख्श, ना बोतल है ना पैसे हैं ना पिस्तौल है, ले लो। ओ नहीं नहीं जी, आपकी तलाशी नहीं लेनी जी, घर की लेनी। घर की तलाशी क्यों लेनी है जी? नौकर आदमी है जी, ऑर्डर है जी ऊपर से। घर की तलाशी लेके तुम्हें क्या मिलेगा खुदा बख्श, सिवाय मायूसी, शर्मिंदगी और उदासी के। जी तलाशी तो लेनी है ना जी, बेहतर है जी कि आप मुझे इजाज़त दे दें जी। और ना मंटो साहब जी देखिए, मैं तो नौकर आदमी हूँ जी, हुक्म का गुलाम हूँ जी। वारंट हैं तुम्हारे पास पक्के वाले? हाँ जी मंटो साहब, बिल्कुल है मेरे पास है। दिखाओ जी। आपको मुझ पे एतबार नहीं है जी? है, यकीन तो तुम पे नहीं किया जा सकता खुदा बख्श। मंटो साहब जी, मैं दिखाता हूँ आपको, ये लीजिए। वारंट ऐसे क्यों दे रहे हो जैसे कोई फौज तस्वीर हो? मंटो साहब कसम खुदा दी, आप कहते भी कमाल है तो लिखते भी कमाल है। वारंट तो पक्का लाए हो अब के? हाँ जी। तलाशी तो देनी पड़ेगी। हाँ जी। ठीक, मैं ज़रा अंदर जाके बताता हूँ कि तलाशी हो। सिगरेट पियो उतनी देर। है जी, मैं बता क्या। सफिया, एक वारंट आए हैं और खुदा बख्श। जी मंटो साहब। आ जाओ यार, तलाशी है जी। फिर इजाजत है जी? हामिद साहब क्या करें जी, नौकर आदमी है, मजबूरी हमारी है। और चल भाई जवानों, अंदर आओ, अंदर आओ, शाबाश अंदर आओ। ओ चलो, ओ चलो, उधर देखो, उधर देखो, शाबाश। इधर आओ भाई, अंदर जाओ कमरे में जाके देखो, अलमारी अलमारी देखो यार। इधर आ शाबाश, उधर दूसरे कमरे में जाओ। चल भाई सूफी, उधर जाओ, चलो। और सही तरह देखो, गद्दी शद्दी उठा के देखना। बात चीजें खराब ना कर यार, आराम से देखो। उधर जाओ दूसरे कमरे में, ओए देखो जरा उस कमरे, ओए इधर आ सोफी, उधर जाओ उस कमरे में जाओ और सीधा निकलो, और निकलो शाबाश अलमारी में देखो और जाओ, शाबाश शाबाश। हमें यह अंदाज़ा तो था कि जज साहब सज़ा सुनाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं थी कि 300 रुपये जुर्माना और 3 माह की कैद भी सुना देंगे। ज़मानत का बंदोबस्त तो किया हुआ था अपने एडवोकेट खुर्शीद साहब ने, लेकिन अब सवाल था 300 रुपये का, और साथ ही साथ नसीर अनवर और क्या नाम है उनका, आरिफ अब्दुल मतीन, हाँ आरिफ अब्दुल मतीन, उनके भी 300-300 रुपये। आरिफ साहब के वालिद ने तो जुर्माना अदा कर दिया, पीछे बचे मंटो साहब और नसीर साहब। बस पैसों का बंदोबस्त करना था, सब इधर उधर भागे। मैंने रुख किया कृष्ण नगर का, जहाँ पे सब अदीब रहते हैं, और अपने जहीर साहब भागे बीडन रोड पे। बड़ी मुश्किल से पैसों का इंतज़ाम हुआ और चंद मिनट पहले जुर्माना अदा किया गया, जिसकी वजह से रात हवालात में गुजारने से बचत हुई। लेकिन वो सेशन जज अनायतुल्ला ने फैसला कालदम करार देकर जुर्माने की रकम भी तो वापस कर दी थी। हाँ, मगर देखें हाई कोर्ट के जस्टिस मुनीर ने उनके जुर्माने की सज़ा को बहाल भी तो कर दिया था। बड़े सख्त रिमार्क्स थे जज के, बड़े सख्त। क्या कह रहा था जज? हाँ, मंटो का ताल्लुक अदीबों के उस गिरोह से है जिसने माशरे में इखलाकी इंतशार फैलाने का ठेका उठा रखा है। बहरहाल मंटो पर बतौर अदीब ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उसकी तहरीरों से नई नस्ल में गुमराही का इम्कान ना हो। छानवी वाह यार, तेरे मुंह से ऐसी इखलाकियाती गुफ्तगू सुनकर तारीफ होती है कि तेरा मुंह मजीद अमजद साहब मुंह चूमने से पहले देख तो लिया कीजिए। तुमने मजलूमों के बारे में लिखा है, इंसानी दरिंदगी के बारे में लिखा है। जो खून का दरिया बहने वाला है उसके पार कैसे उतरोगे मंटो, उसके पार कैसे उतरोगे? इतनी बदतमीजी उन्होंने पहले कभी नहीं की। किताबें क्यों ले गए? रूसी अदब में दिलचस्पी होगी उन्हें सफिया, वॉर एंड पीस पढ़ना चाहते होंगे। साथ साथ कोई और बात है? हाँ, कोई और बात तो है। कौन हो सकता है इसके पीछे? अमेरिका वाले भी हो सकते हैं, सोवियत यूनियन वाले भी हो सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अलमाजर वाले तो नहीं है? पापा, वो पुलिस वाले मेरी डॉल नहीं गए। कौन सी वो वाली डॉल? लेके आओ। कोई नहीं लेके गया मेरी नुच्छी की डॉल को। भाई वो पुलिस वाले अंकल जब चीजें ले जा रहे थे तो मैंने उन्हें कहा खबरदार जो किसी ने मेरी नुच्छी की गुड़िया को हाथ लगाया है, किसी में इतनी जुर्रत मैं हाथ काट दूं। बाके होते हुए कोई नुच्छी की गुड़िया ले जा सकता है? नुच्छी, नुच्छी, चलाओ बेटा खाना खाओ आगे। जाओ नुच्छी, खाना खाओ फिर। मामा जी बुला रही हैं, जाओ भाई वरना बहुत खफा होंगी। एक फिक्र है मुझे सफिया जो हर वक्त लाहक रहती है। फिक्र? कौन सी फिक्र? आपको कौन सी फिक्र है? मुझे तो लगता है सारी फिक्रों का बोझ मेरे ही कांधों पर है। आप तो बिल्कुल बेफिक्र हैं। ठीक कहती हो सफिया। सोचता हूँ अभी तो इकले खाकर गुजारा हो जाता है, मेरे जाने के बाद क्या होगा? घर का, बच्चियों का। सब बातें मत करें साथ, कुछ नहीं होगा आपको। इंशाल्लाह अपने बच्चों को बड़ा होते देखेंगे। हाँ, अगर तब तक मुझे जिंदगी ने और इन लोगों ने मोहलत दी तो। सफिया, किताबें तुम मिला दोगी, मैंने कहा ना छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा। नहीं पता तुम। अस्सलामुअलैकुम खान साहब। खान साहब, अभी तक तबीयत कुछ नासाज है, गला ज़रा बैठा हुआ है, तो आज 5वें से नहीं 4थे से ही गाएंगे, ठीक है? छेड़िए ज़रा। अरे वाह वाह, आइए आइए इंस्पेक्टर खुदा बख्श साहब, आइए जहे नसीब, आइए आइए, बैठिए ना, तशरीफ रखिए। अरे अम्मा, जगह दीजिए इन्हें, पुराने गाहक हैं हमारे। अरे भाई जाओ, कोई शरबत लाओ इनके लिए। आए, हुक्म कीजिए, क्या सुनेंगे आज? मिर्जा गालिब का कलाम या मैडम नूरजहां का कलाम? क्या बात है नाजो, बड़ी कुर्बान जा रही है। करे। आप हैं ही इस काबिल, ये बात तो है नाजो। और मैं कोई अहम इंस्पेक्टर नहीं हूँ, बड़ा टक्का है मेरा, और जहाँ भी जाता हूँ उधर बहजा बहजा हो जाती है। लेकिन कल जो मारका आपने मारा है, सुभान अल्लाह, उसके बाद तो आपकी दहशत मजीद बढ़ गई है। तो कौन सा मार्का? हाँ, उसे मार्का ही तो कहा जाएगा ना। मंटो साहब के घर पर छापा, सारा दिन उनके घर पर घेरा, एक एक कमरे की तलाशी। बड़ा स्पेशल ऑपरेशन था, आला अफसर की हिदायत पर किया था। तुमने किसी अखबार में पढ़ा है? जी नहीं, पूरे शहर में धूम मची हुई है, हर जगह से आफरीन और दाद दी जा रही है। अच्छा हैं? अब पहले बड़ी तरीफे होगी मेरी। अयाशी की तो तैसी, बदमाश इंसान, बेगैरत, इतने अजीम आदमी, इतने अजीम लिखारी को तूने परेशान किया है, उसके घर में घुस के उसके बच्चों को दुख दिया तूने। तू शैतान है, और तुझ जैसे मर्दों पे मैं थूकती हूँ तुझ पर। और ये वर्दी जिसका टैका है ना, उठ उठ, मैं तुझे बताती हूँ इस वर्दी का क्या टैका है। चल देख, उतार से, अरे चल उतार इस वर्दी को। तू भी ना, तुम्हें पकड़ से फेंक ऐसे गटर में कहीं बाहर, भारत कहीं का दफा दूर हो, तू निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। अरे आराम ना, कमीने को फेंका इसको सड़क पे बाहर, मुंह उठा के चला आता है। अरे फेंका अपने आप को, मरने दो अम्मा, मरने दो, मर जाना चाहिए। आहिस्ता बोल, बाजार वाले क्या कहेंगे। फेंका ऐसे गटर में कहीं, फेंका गटर में ना दो। जो हाथ में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जाबाज है या हैदर करार। बेटा जी, अभी आप सुन रहे थे परवेज़ की आवाज़ में। इसमें तमाम फाइलें हैं जो मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। मंटो केस के खिलाफ कराची वाली फाइल भी है। हाँ, यही इस केस की पैरवी पूरे जोश से करना। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इहाद से देकर अगर आजाद हो मिल्लत है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। मुझे अपना वहम, अपना ख्वाब समझती हूँ मंटो। दरवाजे खिड़कियाँ बंद होते तो मंदो कैसे आती? दरवाजे खिड़कियाँ बंद करने से दिल की खिड़कियाँ और दिमाग के दरवाजे तो बंद नहीं हो जाते। तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो अजली है मंटो। हम साथ रहे थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। कब से जानती हो तुम मुझे? हमेशा से। तुम जहां थे मैं वहीं थी, बम्बई में। तुम बम्बई में थी, तुम्हारे साथ बम्बई में ज्यादती की गई और फिर बंटवारे पे तुम पाकिस्तान हिजरत कर गई। रास्ते में कई दफा तुम्हें लूटा गया, बर्बाद किया गया और अब तुम अपना मुकदमा लिए पाकिस्तान की सड़कों पे दरबदर भटक रही है ना? मैं बम्बई में थी, याद करो। मैं वो बेसहारा लड़की थी जो कुछ दिन के लिए तुम्हारे फ्लैट में आके रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाने पकाए थे, तुम्हारे फर्श को चमकाया था, मैंने तुम्हारे मैले कपड़े धोए थे और फिर एक दिन अचानक बगैर बताए मैं वहां से चली गई, किसी को इत्तला दिए बगैर, बगैर कुछ चोरी किए। एक पहेली थी वो। मैं कुंवारी मासूम बेसहारा लड़की से पहेली बन गई। लेकिन वो पहेली मैं बूझ ना सका, वो मुअम्मा हल नहीं हुआ था मुझसे। तो क्या हुआ मेरे साथ तुम्हारे घर से जाने के बाद? क्यों छोड़ा मैंने तुम्हारा घर? हाँ, क्या हुआ था उसके साथ? हम तीनों फ्लैटमेट एक दूसरे पे शक करते रहे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहे। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे बाकी दोनों साथियों में से किसी ने उसके साथ ज़्यादती की थी। तुम तीनों अच्छे लोग थे, मगर रोजगार के जबर में कुछ ऐसे जकड़े हुए थे कि किसी चीज़ का होश नहीं था। वो तुम्हारे मालिक मकान का छोकरा था, वो मारवाड़ी सेठ। मुझे उसका ख्याल क्यों नहीं आया? मैं खामखा अपने साथियों पे शक करता रहा। तुम जानती हो उस बर्मी लड़की को? तुम्हें ड्रामाई अंजाम पसंद है ना? अचानक वो हो जाता है जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं होता। मगर क्या तुम आगाज बदल सकते हो? आगाज तो आगाज होता है। उसे कैसे बदला जा सकता है? जो होने वाला है उसको टाल सकते हो, सैलाब का रुख मोड़ सकते हो। क्या कह रही हो तुम? कौन सा सैलाब? तुमने मजलूमों के बारे में लिखा है, इंसानी दरिंदगी के बारे में लिखा है। जो खून का दरिया बहने वाला है उसके पार कैसे उतरोगे मंटो? उसके पार कैसे उतरोगे? स्कूल की तैयारी है और निक्की कहाँ है? आपको नहीं पता, निक्की आपा बीमार है। निक्की का बुखार नहीं उतरा अभी तक? नहीं आपा, उतरता ही नहीं है। तो मेरा बच्चा स्कूल कैसे जा रहा है? अकेली जा रही हो? नहीं, अज्जू भाई साथ जा रहे हैं। किधर है अज्जू? अज्जू! स्कूल छोड़ा, उसको देर हो जाएगी। तेज हो जाता, उल्टी भी होती। ठीक बेटी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। निक्की तो सबसे बड़ी है और ब्रेव गर्ल है ना, खुद तो ठीक नहीं होगी। डॉक्टर को तो दिखाना पड़ा, खान उतर ही नहीं रहा और पेट भी ठीक नहीं। सफिया, दिखा देंगे डॉक्टर। पता है मुझे आज जाऊंगा इदारे, कहानी उस दिन अधूरी छोड़ के आया था, आज कर दूंगा मुझको। इधर सैरिंग हो रही है जी, वो आती थी निक्की के लिए ज़्यादा और ज़्यादा कर। ब्रेक लंबी नहीं होगी आज? मैडम जी ये खोतिया स्टूडियो है, तेरा किचन नहीं है घर कितों है वो बेटा बोल। मैडम जी ये वो लेके आया है, वही जी आपका प्रस्तार, और वो ये बोलते हैं कि ये मैडम की ख्वाहिश थी। मेरी ख्वाहिश थी? जी वो यही बोल रहे कि मैडम ने बोला कि इन नरमो नाजुक फूलों से मैं तंग आ गई हूँ, भेजना है तो गोभी का फूल भेजो, फिर मिलूंगी मैं। क्या फिरोज गोभी के फूल आने लगे ना, मैनू लगता है मेरा सवाल शुरू हो गया। ऐसा नहीं कहते बेबी, अभी तो तुम तुलू हुई हो, तुम्हें फन के आसमान पे चमकना है, तुम्हारा तो अरूज ही अरूज है, तुम सही मानों में बुलबुले हिंद हो। हाय इतना आसमान पे मत चढ़ाओ मुझे। शौकत साहब तो कहते हैं कि अब तुम मैच्योर हो गई हो, तुम्हारी आवाज़ में वो बात नहीं रही जो जुगनू और अनमोल घड़ी के ज़माने में थी। शौकत साहब हसद के हेडफोन से सुनते हैं, उन्हें ना सही दिखाई देता है ना सही सुनाई देता है। क्यों खलोता है, बुला लेना। कार कह दे आज गोभी गोश्त बनाना है। ठीक है मैडम, गोश्त। कदों आ रहा है? कौन? नजर। भारत तो कदों आ रहा है? हाँ, अभी उसके 5 मैच बाकी हैं, टाइम लगेगा। लखनऊ का टेस्ट मैच तो बड़ा कमाल खेला है उसने। मैंने एक तोहफा रखा है उसके लिए। उसे छोड़ दो बेबी, उसको क्रिकेट खेलने दो, उसके साथ कोई और खेल मत खेलो। हाय हाय, मैंने क्या पकड़ना है उससे? कौमी हीरो है हमारा, तोहफा तो बनता है, नहीं? तुम और तुम्हारे तोहफे। शौकत साहब से कम नहीं हो तुम भी फिरोज, शक्की और हासिद। आज आपका खास शुक्रिया अदा करने आया हूँ चौधरी साहब, आप ही के तो फैल जेल से बाहर हूँ अभी तक। ओ नहीं जी, ये तो हमारा फर्ज था एक राइटर की मदद करना। लोग कहते हैं कि नाशिर अदीबों का इस्तेसाल करते हैं, उनकी रॉयल्टी खा जाते हैं, उनकी तहरीरों पर कारोबार करते हैं। कहते होंगे तो सच है, मगर इदारा जदीद में ऐसा नहीं होता। और देखें, आपकी ज़मानत के लिए मुझे अपने जायदाद के कागजात भी जमा कराने पड़े और अपने नेक चाल चलन का सबूत भी देना पड़ा। ये तो बहुत मुश्किल काम होगा, अपने नेक चाल चलन का सबूत देना। इस बार पेशी पे कराची चले जाइएगा, वरना आपके साथ साथ मेरे भी समन जारी हो जाएंगे। फिर तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। मंटो साहब, ये दीवानगी आप पे ही सचती है। मैं तो एक आम नॉर्मल सीधा साधा सा इंसान हूँ, वही कोर्ट हवालात और कचहरी का सुनकर तो मेरी रूह ही फना हो जाती है। आप नॉर्मल लोग भी कितने बदकिस्मत हो। वो कहानी तो मुकम्मल हो गई ना, अब इस चुमारे में हमने आपकी जगह रखी है। कहाँ मुकम्मल हुई चौधरी साहब, उस दिन यहीं लिख रहा था, अधूरी छोड़ के जाना पड़ा। वो कागज फेंक तो नहीं दिए? ओ नहीं नहीं मंटो साहब, वो बड़े बड़े संभाल के रखे हैं। ये देखे, ये ली, अभी मुकम्मल कर दो। राय अपना महंगा वाला सिगरेट। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये चौधरी बरकत क्या जाने, कहानी के किरदारों को ठिकाने लगाना जिंदों को ठिकाने लगाने से ज्यादा मुश्किल काम। अगर वो बच जाएं तो दिमाग के कोनों में हॉन्ट करते रहते। ऐसे कई किरदार मेरे दिमाग के कोनों खुदरों में कुल बुलाते रहते। मैं मंटो